नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरे गुलाब अब खिलने स्टार्ट हो गए। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देसी गुलाब है। ये देखिए इस एक प्लांट पर लगभग 5 या 8 फूल आ रहे हैं इस एक प्लांट पर। ये देखिए तो दोस्तों, ये वही गुलाब है जिसकी मैंने आपको कटिंग्स लगाना बताई थी, जो मेरा लगभग 6 से 7 महीने पहले जो वीडियो मैंने डाला था पिछली ठंडियों में, तो ठंड में तो लगभग उसे 1 साल हो गया है। तो इस प्लांट की ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभी खिल रहा है। और ये वाला भी है, ये मिनिएचर वाले गुलाब है। ये देखिए ये तो ढेरों खिल रहे हैं। ये देखिए तो मेरे एक व्यूअर है अर्पित जी, तो उन्होंने पूछा था कि गुलाब पर आप कब वीडियो बनाओगे, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और ये अभी खिल के ये अभी इसके फूल गिर रहे हैं बहुत सारे। तो ये भी देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और भी मेरे प्लांट हैं तो ये अभी सबसे ज़्यादा खिल रहे हैं। तो इसकी मैंने कुछ केयर नहीं की है, बस इसे थोड़ा फर्टिलाइज़र मैंने डाला है। और चाय पत्ती जो मैं बताऊँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपकी चाय पत्ती, इसी से आपके प्लांट में इतने अच्छे फूल खिलते रहेंगे। तो गुलाब के प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम है, इन्हें मॉइस्चर भी चाहिए लेकिन इनकी मिट्टी गीली नहीं रहनी चाहिए। तो मॉइस्चर भी चाहिए लेकिन मिट्टी गीली भी नहीं रहनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें चाय पत्ती बराबर बैलेंस कर लेती है। तो इसे आपने कभी कभी पानी देना है, थोड़ा सूखने के बाद फिर पानी दे, एकदम से रोज़ रोज़ इसे पानी ना दे, इसे थोड़ा सूखने दे इसकी मिट्टी को, फिर इसमें पानी दीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं, देखिए ये देखिए मैंने ऐसे इसमें ये पॉट्स रख दिए थे छोटे छोटे, ये देखिए तो इनमें मैंने पानी भर दिया है। तो अगर आप कभी पानी डालना भूल भी जाए तो इससे इनको मॉइस्चर मिलता रहता है। तो ये प्लांट बहुत मेरा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस पर ढेरों फूल आ रहे हैं। और जब ये इसके फूल सारी ये ख़त्म हो जाएंगे तब आपने इसको ऐसे कट कर देना है फिर से, और इसमें थोड़ी खाद डाल देनी है। ये फिर से इसमें खूब सारे इसमें फ्लावर्स आएंगे। ये देखिए तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर इसके फूल सूखने के बाद उन्हें आपने इकट्ठा कर लेना है। ये वाले जो फूल है ये कश्मीरी गुलाब है, तो देसी वाला है। तो ये दोनों, तो इनके फूलों से आप गुलकंद भी बना सकते हैं। सूखने के बाद इनके फूलों को आपने रख लेना है और फिर उससे आप गुलकंद भी जो है बना सकते हैं। और इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, ये तो मैंने कटिंग से ही ग्रो किए थे। तो फिर ये भी है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसका टाइम ख़त्म होने आया है और ये अभी अभी ये इसकी बड्स भी खिल जाएगी। ये देखिए इस पर खूब सारी इस पर बड्स आ रही है। तो चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया था कि कैसे आप अच्छे फूल अपने गुलाब में पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।